हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर एंड दिस इज पार्ट 3 एमसीक्यू क्लास 10th एफएमएम। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं एमसीक्यू के, आप उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि पेपर जो आपका आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो उसके लिए सारे एमसीक्यू देख लेना। और ये जो पार्ट 3 है ये बेसिकली बेस्ड ऑन चैप्टर 3 है, प्राइमरी मार्केट। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी हो सके मैंने बनाने की कोशिश की। आप देखना 14-15 क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन इशू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इशू नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास उसको देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट इशू, दूसरा राइट इशू, तीसरा पब्लिक इशू। तो अगर आपने ये जो इशू वगैरह पढ़ा है चैप्टर 3 में तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट इशू, क्योंकि फर्स्ट इशू ये किसी तरीके का कोई इशू नहीं होता, ये हमें नहीं दिया गया है चैप्टर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि राइट इशू और पब्लिक इशू क्या होता है। तो देखो, राइट इशू एक इस तरीके का इशू होता है, मान लो कि यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं इस कंपनी में गई और मैंने यहाँ से एक शेयर खरीदा था पिछले साल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हूँ, ठीक है, उनमें से एक हूँ। तो अब ये जो कंपनी है जिसमें मैंने अपना शेयर लगा रखा था, ये कंपनी अगले साल फिर से इशू निकाल रही है अपने सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। तो क्योंकि मैं इस कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ तो मुझे एक राइट मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा कि मैं इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बाकी इन्वेस्टर्स से पहले खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया राइट इशू। तीसरा है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है, जब कोई भी कंपनी 50 और मोर इन्वेस्टर्स को अपनी इशू करती है सिक्योरिटीज, तो उसको बोला जाता है पब्लिक इशू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि आईपीओ का फुल फॉर्म बताओ, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो जो ऑप्शंस है हमारे पास उसको देख लेते हैं एक बार कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। एक अनलिस्टेड कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर इशूज कर रही है सिक्योरिटीज। दूसरा ऑप्शन, लिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। तीसरा, अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। चौथा, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1, अनलिस्टेड कंपनी। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जो कि अभी तक लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज पर, वो पहली बार पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो इस चीज को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू को हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट इशू भी कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल इशू, आप इस नाम से वैसे थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है, बाकी अगर आपको अच्छे से और पता होगा तो आप बहुत श्योर हो गए एमसीक्यू का आंसर टिक करने में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जब कोई भी कंपनी एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, जब कोई भी कंपनी 50 से कम इन्वेस्टर्स को अपने सिक्योरिटीज का इशू कर रही होती है तो उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल इशू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 24th, व्हाट इज एन इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। द प्राइस एट विच द कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक इन सेकेंडरी मार्केट। एक ऐसा प्राइस जिस पर किसी भी कंपनी के शेयर सेकेंडरी मार्केट में सेल होते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, एक ऐसा प्राइस जिस पर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइमरी मार्केट में सेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, कि द प्राइस एट विच द कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट इज एन इशू प्राइस। अब आते हैं 25th क्वेश्चन पे, जो कि है हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ शेयर्स। शेयर्स का प्राइस कौन डिसाइड करता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड, कोई भी इशूअर। इशूअर कौन होता है, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो कि शेयर्स को इशू कर रही होती है, ठीक है, वो एक इशूअर होता है। इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर भी एक
पार्टिसिपेंट होता है मार्केट का, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकर के साथ जो इश्यूअर होता है कंसल्ट करता है, उसके बाद किसी भी शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है। और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर आपने डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना टेलीग्राम पे तो वो आप डेफिनेटली कर लो, क्योंकि वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप है हमारा जिसपे बहुत सारे बच्चे आपस में अपनी बात करते हैं, और सब्जेक्ट जो भी होता है उनका वो सब की क्वेरीज भी वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपको जो अंडरलाइन दिख रहा है ना सारा, ये पता है हुआ क्या है, ये मैंने वीडियो बना दिया बट वीडियो पॉज रह गया गाइस, इसके वजह से ये आपको सारा अंडरलाइन दिख रहा है। अब मैं इसको पहले हटा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। एक तो वैसे ही कोल्ड हो रहा है, ऊपर से ये पता नहीं क्या, आज बहुत ड्रामे हो रहे हैं वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। हु डिसाइड्स कट ऑफ प्राइस? कट ऑफ प्राइस कौन डिसाइड करता है? इश्यूअर एंड लीड मैनेजर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इश्यूअर एंड लीड मैनेजर। अब हमारा आता है 27th क्वेश्चन, जो कि है हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड? प्राइस बैंड कौन डिसाइड करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंपनी इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर। कोई भी कंपनी मर्चेंट बैंकर के संग कंसल्ट करके प्राइस बैंड को डिसाइड करती है। अगर आपको नहीं पता कि प्राइस बैंड क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में सब बता रखा है, आप देख लेना, बट फिर भी बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे जब बुक बिल्डिंग होती है, जहाँ पे हम लोग बिड लगाते हैं प्राइसेस के लिए, उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग, ठीक है। तो उसमें एक चीज होती है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होता है बेसिकली, वहां पर हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 200 है और यहाँ पर हमारे पास 300 मैक्सिमम प्राइस है, कि 200 और 300 के बीच में ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से होता है प्राइस बैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। कैन ओपन आउटक्राई सिस्टम बी यूज फॉर बुक बिल्डिंग? क्या ओपन आउटक्राई सिस्टम बुक बिल्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, ठीक है। ओपन आउटक्राई सिस्टम क्या होता है? जहां पर एक बड़ा सा हॉल होता था और यहां पर जितने भी सेलर, बायर, ब्रोकर्स और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं समझ लो, सब कोई आते थे यहां पर, और उसके बाद जिसको भी जो शेयर बेचना होता था उसके बाद वो सब बताते थे कि देखो मेरे पास इस कंपनी का शेयर है, इतने रुपये में बेचूंगा, इतने क्वान्टिटी ऑफ शेयर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बताते थे, और जो बायर जिसको भी अच्छा लगता था वो लोग उसको परचेज करते थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द शेयर्स लिस्टेड आफ्टर इशू? जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसके बाद कितने दिनों का टाइम लगता है उन शेयर्स को लिस्टेड होने में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 days। और अभी वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जो यहाँ पर T+2 day है, ये जो T है इसका क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग डे इसको माना जाता है बेसिकली, ट्रेडिंग प्लस 2 days। जिस दिन में आपने ट्रेडिंग किया, जैसे आपने मान लो कोई भी शेयर मंडे को खरीदा, ठीक है, तो वेडनेसडे तक वो शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे ट्रांसफर होंगे? आपके डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी जितनी भी आपने सिक्योरिटीज खरीदी हैं उन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो। ये एक डिपॉजिटरी के साथ कनेक्ट होता है। अब आते हैं अपने 30th क्वेश्चन पे, इन हाउ मेनी डेज अलॉटमेंट ऑफ शेयर शुड बी कंप्लीटेड? जैसे मान लो कि मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे कि भाई मैं आपकी कंपनी के शॉप जो 100 सिक्योरिटीज हैं वो परचेज करूंगी, ठीक है। तो अब मेरे को अलॉटमेंट करने में कंपनी को कितना टाइम लगेगा? तो उस क्वेश्चन का आंसर है 8 days। 8 दिन कम से कम लग जाएंगे मेरे पास शेयर आने में, अलॉटमेंट होने में मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ROC? ROC का फुल फॉर्म ये होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, वॉट इज द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज? लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 33, वॉट इज डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज? अभी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या बताया? एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। अगर हम बात करें डी लिस्टिंग की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जब हम पूरी तरीके से उन सिक्योरिटीज को एक्सचेंज से रिमूव कर सकते हैं कि अब भाई कोई भी बंदा इन सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, टू हुम द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल्ड बाय दी
कंपनीज कह रहा है कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको देना होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेबी। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।